हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप लैके आए हैं बहुत सुंदर नेक डिजाइन। इस नेक को अपने किस तरह बनाना वा, सब तो पहला ये देखो, अपने एक पीस लिया वा बुकरम का, पेस्टिंग वाला हों, तो अपने वो कटना वा 2.25 इंच के निशान लगाना वा। ये पीस अपने 3.5 इंच चौड़ा लिया वा, तो लंबा अपना पीस हैगा वा तकरीबन 16 इंच, जिदों आपने कटिंग कर देनी है। ये देखो आपने 7 इंच रखी है नैक की लंबाई, तो चौड़ाई हैगी है 2.25 इंच। तो हम आप एक एक इंच के निशान लगावे, उस तो बाद आपने ये निशान बाद लावे, आपने लगानी सेंटर के लैस। ये देखो आप लैस देखा अपनी साइडा छड़ देना वा, क्योंकि वो आपने दबा देनिया ने। तो आप जो लैस का सेंटर कराया वा उस एंची टेप में भी आपने मतलब अद कर लेना वा, तो उस तो बाद आपने 7 इंच के निशान एक लगा, तो एक 8 इंच के जो 7 इंच के निशान लगाना, उस तो आपने देखो जो लैस लगानी है वह कटिंग करा तकरीबन ये 2 इंच आ, अधे इंच तो घट वा, मतलब 2 सूत आ। तो 1 इंच का ही देखो इस तरह आपने ये निशान लगा लिया, क्योंकि 1 इंच आपने गले चढ़ाई रखी सी, उसके नीचे भी ये देखो आपने 1 इंच से रखना वा। हम आप इतों पावे गलाई, तुम इतों चौरस भी रख सकते हैं, पर जो आप लैस लगाने तो वह ज़्यादा वधिया नहीं लगता। हम आप इसनों कटिंग कर देंगे, देखो आप जो लैस लगानी है वह भी अपने सेंटर के बीचों कट कर देना वा। उस तो बाद आपने नैक का कट लेना वा पूरा, देखो आपने कपड़े दे उपर प्रेस के नाल चिपका दिता, तो हूँ आपने प्रेस के नाल ही जो चिपकाया हुआ वा उत्थे आपां लैस लगावे। ये देखो जो आप निशान लगा रहे हैं इतों आपने कटिंग करनी है, पर कटिंग आपने कदों करनी है वो तुहानूं बाद चों दस्सदे हां। ये देखो आपने इस तरह लै लिया, इहदा सेंटर करांगे, लगाउणा आपने बाद चों। देखो इस तरह अपना सेंटर हो गया, तो इसमें आपने फोल्ड करके लगाना वा। लगाना भी आपने ये मतलब उल्टी साइड आ, अंदर वाले पासे तो आपने बाहर नूं सीधे पासे नूं फोल्ड करांगे। तो उस तो पहला आपां तुहानूं दिखाउंदे आ आपने ये उपर लैस किस तरह लगानी आ। ये देखो ये अपनी लैस आ, तो आपने ये उपर प्रेस के नाल क्रीज बना ली आ, तुसीं चाहो तो निशान भी लगा सकते हो। ये देखो आपने जो क्रीज बनाई सी उहदे उपर आपने लगानी आ, उस तरह अपने गलाई के लैस लगानी है। तो ये गलाई के किमें रहेगी वह भी आप तुम दसागे, अपने कट लगावे कितने कितने कट लगाने ने। देखो अपने जो क्रीज बनाई हुई है प्रेस के नाल वो उपर उपर ही लगा रहे हैं, क्योंकि निशान लगाए हुए भी दिसते नहीं है उपर लैस आ जानी है, इसलिए क्रीज बनाने ज़्यादा आसान, निशान सही नहीं भी लगते कहीं। तो देखो आप उपर उस तरह गलाई के लैस लगा रहे हैं। हाँ जी, अपनी लैस लग गई है, आप कट देंगे, तो हम आप इस तरह इन फोल्ड करना वा। ये देखो इतों आपने कट लगाने ने, ताकि अपनी इतों पूरी फिनिशिंग के नाल ये लैस के उपर आप कट लगा रहे हैं, सिलाई नहीं कटनी हैगी। लैस ने अपने सारे राउंड के भी लगाने ने कट, तो जितों आपने मतलब डिजाइन बनाना वा उतों भी लगाने ने कट। ये देखो ये अपनी सारी लैस से कट लग गए, आप इसनों प्रेस के नाल पहला थोड़ा जिहा कर लेंगे। ये देखो आपने प्रेस के नाल बिल्कुल इसनों बिठा लिया। हुण आपने देखो आपने ये उल्टी साइड है, तो नैक की भी उल्टी साइड दोनों उपर रखनिया ने। ये देखो अपने सेंटर के क्रीज बनाई हुई है, तो उत्थे आपने नैक के उपर सिलाई लगा लेनी है पहला सेंटर वाली। देखो जो आपां नीचे कपड़ा दिसदा वा फालतू कपड़ा, वो आपां नैक दियां सिलाइयां लगाउण तों बाद आपां ने सारा कपड़ा कट कर देना। तो आपने देखो इत्थों तक ही सिलाई लगाउणी, जित्थों तक अपनी बुकरम मतलब कट्टी हुई है, बुकरम दे उपर सिलाई नहीं चलाउणी। हांजी, वीडियो तुहानूं वधिया लगदी हुंदी तां वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर दिया करो। जेकर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन नूं ऑल ते कर लेना। देखो हुण आपां ने गले दे जो लगाई सिलाई लगानी सी
वो लगा ली है। तो हुण आपां एक्सट्रा कपड़ा कट कर देना वा। देखो जिथे आपां निशान लगाए से उत्थों आपां ने कट करता। देखो इत्थे भी आपां दोनों साइड कट लगाउणे ने ताँ कि अपना फिनिशिंग दे नाल फोल्ड हो जाए। जो फालतू कपड़ा से वो भी मैं कटता। ये देखो अपने कोनिया तो भी कपड़ा कटना वा ताँ कि अपना कॉर्नर आसानी दे नाल फोल्ड हो जाए अते बिल्कुल सफाई दे नाल। छोटे छोटे कट लगाउण तो बाद इहनूं आपां ने इस तरह पलटाउणा वा। देखो ये अपना पलटाउण तो बाद हुण आपां ने इसके उपर प्रेस कर देनी है ताँ कि ये अपना आसानी दे नाल बैठ जाए। हाँ जी ये देखो हुण आपां ने प्रेस करती है ते हुण इहदे आपां ने जो लगाउणी आ लास लैस उहदे उपर आपां कपड़ा चुकावांगे। देखो कपड़े दे उपर आपां ने इसदी सिलाई लगाउणी आ। सीधी साइड आपां ने अंदर रखी आ ते आपां इस नूं बाद च पलटा लाँगे। हाँ जी ये देखो आपां तुसीं इहदे उपर अगर बटन लगाउणे चाहुंदे आ बटन भी लगा सकदे आ। मतलब साइडां 'ते बटन नहीं लगाने तो ना भी लगाओ। अपने बटन की जगह पर देखो अपने लैस लगा के डिजाइन बना रहे हैं क्योंकि ये लैस का डिजाइन अपने इसके घेरे पर भी लगाना वा अते ताँ कि अपना कमीज दे थोड़ा होर ज़्यादा ग्रेस बन जाए। हुण अपने इस नूं पलटा लेना वा। तुसीं किसी भी चीज़ की हेल्प के नाल इसनूं पलटा सकते हो। देखो मैं पेचकस नाल पलटाया अते इस दे कॉर्नर कट लाँगे। ये देखो अपने इस दे कॉर्नर बन गए अते इस नूं भी आपां ने प्रेस दे नाल आसानी दे नाल बिठा लेना ताँ कि अपनी सिलाई लग जाए सौखी। हाँ जी देखो ये अपनी लैस रेडी हो गई है ते हुण आपां कमीज दे उपर लगावांगे। ये देखो आपां इस लैस नूं सिलाई दे नाल जोड़ांगे। उस तो पहलां आपां ने जो लैस लगाई हुई है उस दे उपर सिलाई लगा के उस नूं भी आपां कपड़े दे नाल देखो इस तरह सिलाई लगा के जोड़ देना वा अते बहुत ही सफाई दे नाल अपनी ये लैस लगदी है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आउंदी। देखो आसानी दे नाल गलाई दे विच मुड़ गई किस तरह सीधी लैस सीगी। तुसीं भी इसे तरह लगा सकदे हो। ते हुण आपां लगावांगे इहदे सेंटर विच लैस। ये देखो अपनी सेंटर वाली लैस आ। आपां ने इहदे नाल नाल सिलाई लगाउणी है बहुत सफाई दे नाल। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए बेशक पर सिलाई तुहाडी सफाई दे नाल आउणी चाहीदी है क्योंकि नैक सब नूं दिखाई देंदा। इसलिए नैक की जिनी ज़्यादा फिनिशिंग होगी तुहाडा सूट उन्ना ही वधिया लगेगा। हाँ जी देखो हुण अपना नैक बन के रेडी हो गया वा। वीडियो जरूर दसना कि तुहानूं किस तरह की लगी। चैनल नूं सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन नूं ऑल ते कर देना अते वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। तुहाडी सपोर्ट की जरूरत है प्लीज़ सपोर्ट करिया करो अते वीडियो नूं भी पूरा देखिया करो। ये देखो हुण अपने कमीज दा नैक बन के रेडी हो गया। वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।